बार बार हमारे साथी गोडवान स्टूडेंट यूनियन के जो भी सवाल थे बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल हमारे तमाम साथियों के मन में उठना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल जवाब नहीं होंगे तब तक हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होगा। जो भी मन में क्वेश्चन सोचते हैं उनको आसानी से पूछ लीजिए। यहाँ पर सभी लोग अपने ही साथी हैं और सभी अपने भाई बहन हैं। किसी भी प्रकार का अगर हमारे मन में डाउट उत्पन्न होता है, कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तो हमें बेझिझक पूछ लेना चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमें पूछ लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा हमारे सम्मानीय साथी का प्रथम सवाल था कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जिला पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाता और शहडोल जिले के जो भी जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथी तो उनको किन लोगों ने कौन कौन से शब्दों से संबोधित किया हमें इस बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जिला ब्लॉक ग्राम इकाइयों में नियुक्ति पत्र प्रदान करने का आदेश राष्ट्रीय अधिवेशन सुप्रीमगढ़ डिंडोरी में हुआ था, उसमें यह घोषित कर दिया गया था हमारे राष्ट्रीय संचालक राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबरों के द्वारा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से यह तमाम जगह पर यह सूचना उसी टाइम में प्रेषित की गई थी कि हमारे जो भी जिला पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र प्लस आइडेंटिटी और जो भी आवश्यक सामग्री अगर लगती है तो वह अपने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन नियमावली के अनुसार 2019 में जो संशोधन करके बनाया गया था उस नियमावली के अनुसार आप पूर्ण पालन करते हुए उन तमाम नियमों का पालन करते हुए आप जीएसओ नियुक्ति पत्र जीएसओ आइडेंटिटी जीएसओ बैच और अन्य प्रकार के जो भी आवश्यक सामग्री है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिला पदाधिकारी ब्लॉक पदाधिकारी और ग्राम पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी को हम वितरित कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जो नियुक्ति पत्र प्रदान करने की और आइडेंटिटी प्रदान करने की जो नियमावली है जिला अध्यक्ष को प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव या प्रदेश के अन्य कोई पदाधिकारी युवा के माध्यम से जिला अध्यक्ष को नियुक्ति दी जाएगी और जिले के जो भी पदाधिकारी उपाध्यक्ष सचिव महासचिव विधि सलाहकार लिंका विश्व संयोजक और अन्य हमारे समस्त साथियों को अगर वहां पर कोई प्रदेश के पदाधिकारी नहीं है तो जिलाध्यक्ष के माध्यम से अपने निज हस्ताक्षर के सहित आप नियुक्ति पत्र प्लस आइडेंटिटी वितरण कर सकते हैं। और वैसे ही आप ब्लॉक के पदाधिकारियों को ब्लॉक अध्यक्ष को जिलाध्यक्ष के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी आइडेंटिटी प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात अगर जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं तो हमारे जिले के कोई अन्य कोई पदाधिकारी जो भी उपस्थित हैं और जो गठन करने गए हैं उस ब्लॉक में वो अन्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र व आइडेंटिटी प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही वही सेम प्रोसेस होगी सेक्टर के सेक्टर में आप सेक्टर अध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से नियुक्ति पत्र व आइडेंटिटी प्रदान कर सकते हैं। सेक्टर अध्यक्ष ग्राम अध्यक्ष ग्राम पंचायत अध्यक्ष अगर बनाते हैं तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष को सेक्टर अध्यक्ष नियुक्ति पत्र प्रदान कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रदान कर सकते हैं। और उसी प्रकार ग्राम पंचायत कमेटी अगर बनी है आपकी तो ग्राम पंचायत कमेटी में जो भी आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी ग्राम आते हैं उनमें आप लोग ग्राम
जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो है वो नियुक्ति पत्र या आईडेंटी प्रदान कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में। यह तय किया गया था सुकंदगढ़ के जो राष्ट्रीय अधिवेशन प्रति राष्ट्रीय अधिवेशन में कि जिला से नीचे मतलब प्रदेश से नीचे प्रदेश प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्ति व आईडेंटी कार्ड नहीं दिया जाता। जो समय समय पर जो भी कार्यक्रम होंगे उनको नियुक्ति तुरंत बनाकर आईडेंटी तुरंत बनाकर हम उनको आईडेंटी कार्ड वितरण कर देंगे। बाकी जिला से लेकर ब्लॉक ग्राम सेक्टर तमाम पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही हमारे साथियों का एक विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी था कि 10 दिसंबर को हम बोलते तो हैं फोन के माध्यम से सुने हैं कि हम 10 दिसंबर को गोंडवाना स्थापना दिवस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे आप सभी को यह आप डायरी में भी नोट कर सकते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की स्थापना 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को स्थापित करने की महत्वपूर्ण सोच गोंडवाना रत्न तेनवासी दादा हीरा सिंह की सोच थी कि आज हमारा शिक्षित समुदाय एक संगठित समुदाय संगठन के रूप में कार्य करे और अपने हक अधिकारों के लिए अपने विद्यालय महाविद्यालय और अन्य क्षेत्रों में अपने लिए लड़ाई कर सके। इसके लिए एक मजबूत स्तंभ के तौर पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की नींव रखी और उसका जो स्थापना है वो सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक में 10 दिसंबर 2011 में इसकी नींव रखी, जिसमें मुख्य रूप से वहां पर उपस्थित उस स्थापना दिवस के रूप में स्थापना में सम्मानीय आज वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गठबंधन पार्टी युवा मोर्चा सम्मानीय अनिल सिंह गौड़ जी, गणेश मांझी जी, आशीष दुर्वे जी, सतीश बरकड़े जी, चंद्रेश मरावी जी, महेंद्र मसराम जी और अन्य जो भी हमारे युवा साथी वहां पर काबिल साथी थे वो उपस्थित थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सोच को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन 10 दिसंबर के रूप में मनाने का निश्चय किया और उस दिवस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साथ ही उस दिवस हमारे गोंड राजा वीर नारायण सौरा खान जी के जयंती भी रहती है, जयंती के रूप में भी हम लोग बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मुझे लगता है आप सभी को 10 दिसंबर के दिवस जीएसओ दिवस के रूप में मनाते हैं, स्थापना दिवस के रूप में, जहां तक कि आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी। हो सकता है मेरे समझाने या मैं किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। और किसी प्रकार का अन्य क्वेश्चन जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होते हैं वो अपने जो प्रकोष्ठ पदाधिकारी होते हैं उनको अलग अलग विधायक इसलिए दिए जाता है, जैसे शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को जो शिक्षा से पारंगत होगा वो भी वो शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश पदाधिकारी बनाया जाता है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पदाधिकारी उन्हीं व्यक्ति को बनाया जाता है जो संस्कृति वेशभूषा रीति रिवाज से परिपूर्ण पारंगत हो और बड़े अच्छे से नॉलेज रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभार देते हैं। और हम जो हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में उनकी काबिलियत के अनुसार ही उन्हें अपने दायित्व का निर्वाहन दिया जाता है। कहते हैं कि हम अगर कोई व्यक्ति जिस चीज का भार नहीं उठा सकता हम उसको उस भार का सुपुर्द नहीं करते, उसको भार नहीं देते और निरंतर उस पर इतना
निरीक्षण करवाया जाता है कि हाँ वो व्यक्ति इस कार्य में पारंगत हो सकता है, तब जाके हम तमाम हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी, राष्ट्रीय संचालक और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से एक संगोष्ठी, गुप्त संगोष्ठी करके और उन पदाधिकारियों का नियुक्ति की जाती है। और संस्कृति की अगर बात आए तो हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आज हमारे बीच में राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ वैशाली ध्रुवे जी भी उपस्थित हैं, किन्हीं कारणवश वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकी है, कुछ ही समय पश्चात आपके समक्ष होंगी। तो आप सांस्कृतिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, सांस्कृतिक वेशभूषा बोली भाषा के बारे में, आप गोंडी भाषा के बारे में, आप जितना भी आपके मन में क्वेश्चन उठता है आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कुछ ही समय पश्चात वो हमारे मंच पे मंचशील होंगे। पदाधिकारियों का कार्य क्षेत्र वर्ल्ड वाटर स्टूडेंट यूनियन की नियमावली में एक एक पदाधिकारियों का एक एक छोटा से छोटा कार्य और बड़ा से बड़ा कार्य आपको क्या करना होगा। अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष का या अध्यक्ष उपाध्यक्ष या अन्य कोई पदाधिकारी का अगर जवाबदारी दी जाती है तो उन तमाम जवाबदारियों का बारीकी से हमारे जीएसओ नियमावली में एक एक पदाधिकारियों के बारे में कार्य बटा हुआ है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, किन किन को अध्यक्ष का कार्य क्या है, उपाध्यक्ष का कार्य क्या है, सचिव का क्या है, महासचिव का क्या है, लिंक ऑफिसर का कार्य क्या है, विधि सलाहकार का क्या कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, इन सभी के बारे में हमारी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन 2019 की संशोधित नियमावली में स्पष्ट तौर पर दिया गया है। और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जहां तक है जिन जिन के पास अगर जीएसओ नियमावली नहीं है तो हम आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जिलाध्यक्ष हो तक पहुंचाया जा सकता है। फिर जिलाध्यक्ष आपके ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से आप पूरे जिले में वितरित कर सकते हैं। अगर आप 30 पेज का जीएसओ नियमावली अगर आप चाहें तो प्रिंट भी निकालवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो पीडीएफ में आपको मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है। जिनके आज हमें यह सूचना मिली कि यहाँ पर अधिक से अधिक नए छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं तो उनको यह पता नहीं है कि जीएसओ मैं अगर अभी खाने की बात आई थी, खाना क्या है, हमेशा एक जो बड़ी संख्या में अगर बनाया जाता है तो आपको भी पता है जब हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम हमारे घर खुद में अगर हमारे घर परिवार में भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ा लेट खाना हो जाता है, तो उस पर तो हमें सवाल जवाब करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरा यह व्यक्तिगत सोच है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमें खाना टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि आप भी देखते हैं आपके समक्ष ही खाना बनता है और आपके समक्ष ही वितरित होता है, इस पर तो किसी भी प्रकार का सवाल जवाब तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर लास्ट पेज पे आपका आइडेंटिटी का पूरा परफॉर्मा दिया गया है, पूरे आपको बैक पेज, फ्रंट पेज, मतलब बैक पेज भी छुपवा सकते हैं और फ्रंट पेज भी छुपवा सकते हैं, दोनों प्रकार के आपको आइडेंटिटी कार्ड का नमूना बना हुआ है। उसके एक पेज पहले आपको जीएसओ नियुक्ति का भी परफॉर्मा दिया गया है, आप पूर्ण रूप से उसका पालन करेंगे। और सभी को मैंने बताया कि जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, ग्राम पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी चाहे वो सदस्य हो, उन सभी को आप नियुक्ति पत्र आईडेंटी कार्ड वितरित कर सकते हैं। और उसका जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे साथियों से ये काफी शिकायत मिलती है, हम लोग किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं
कार्यालय हो या विद्यालय, महाविद्यालय में हम निरीक्षण करने जाते हैं कभी, तो हम लोगों को ये पूछा जाता है कि आप लोग के पास क्या अधिकार है, आप कहां से, आप जिलाध्यक्ष हो, कैसे जिलाध्यक्ष हो, आपके पास क्या आइडेंटिटी का एविडेंस है कि आप जिलाध्यक्ष हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे विद्यालय महाविद्यालय में आप जाएं, और वहां के अगर आप सरपंच हो, सचिव हो, या अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं वहां पर निरीक्षण करने, तो वहां के सरपंच सचिव को सर्वपहले आप पूर्व सूचना दे दीजिए और उनको कहिए कि भाई आप इस दिवस को हमारा इस स्कूल में निरीक्षण होगा, हम बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, हम अपने इतिहास संस्कृति के बारे में, हम उनके एजुकेशन के बारे में, कैसी शिक्षा चल रही है, कैसा मध्याह्न भोजन मिलता है, क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारा उस दिवस में आप एक डेट निश्चित करके और वहाँ से पूर्व सूचना देते हुए आप उस विद्यालय महाविद्यालय में जा सकते हैं। ऐसे हम मैं जब जिला अध्यक्ष हुआ करता था, मुझे भी ये उस टाइम में हमारे सिवनी डिस्ट्रिक्ट में जीएसओ का नाम बहुत कम लोग जानते थे, बहुत ना के बराबर, क्योंकि जब जीएसओ ये क्या है जीएसओ। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि गोंडवाना गोंडवाना गोंडवाना, ये तो गोंडवाना गोंडवाना है, ये आता है अधिकांश लोग अभी भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है। गोंडवाना गोंडवाना शब्द कोई जाति सूचक शब्द नहीं, ये राष्ट्र सूचक शब्द है, राष्ट्रवादी शब्द है। लेकिन आज आप जानते हैं कि हर वो समाज जो गोंडवाना का अधीन है वो उससे चिढ़ता क्यों है, इस बारे में आप लोगों को विश्लेषण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। और आज गोंडवाना शब्द कोई गोंड गोंड जनजाति के लिए नहीं, गोंड गोंड एक जाति सूचक शब्द है और गोंडवाना एक राष्ट्र सूचक शब्द है। इस बारे में आप लोगों को बारीकी से जानकारी ले लेना चाहिए। और हमारे मुझे लगता है कि गोंडवाना रत्न पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना के महान साहित्यकार पेनवासी दादा मोती रावण गंगाली जी, गोंडवाना के सुदूर शुभचिंतक और साहित्यकार पत्रकार दादा ताराम जी, जिन्होंने इस गोंडवाना शब्द का इतना बारीकी से व्याख्यान किया है कि आपको गूगल में हो या फिर आप जो गोंडवाना की बुक्स रहती हैं उसके बारे में बारीकियों से जानकारी दिया है। तो आपको अपने क्षेत्रों में भी जाके यही बताना है कि गोंडवाना शब्द आज हम लोग किसी के समक्ष अपनी बात रख नहीं पाते, क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती, और होती भी है तो बहुत कम होती है। इसलिए कभी भी वो कहते हैं अध गगरी छलकत जाए, इसलिए कभी भी आधा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप लोग पूरा ज्ञान हासिल करें और पूरा ज्ञान लेकर अगर आप किसी के समक्ष भी अगर कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो बेधड़क बेझिझक होकर और सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हो सकता है मेरा आपके क्वेश्चन संपूर्ण संतुष्ट हुए। देखिए सर्वप्रथम आप वहां पर ये मत बोलिए कि हम निरीक्षण करने जा रहे हैं। निरीक्षण करना मतलब हम हमारा जाना ही निरीक्षण करना होता है ना? हम वहां पर परमिशन लें, वहां के जो अधीक्षक होंगे, गर्ल्स हॉस्टल की बात करूंगा, वहां के जो अधीक्षक हैं आप अधीक्षक महोदय से आप परमिशन लेंगे, हम आगे वहां पर हमारे स्टूडेंटों से हम मुलाकात करना चाहते हैं, अपने बारे में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बारे में बताना चाहते हैं और उनसे हम सवाल जवाब करना चाहते हैं और उनके वर्तमान व्यक्तित्व व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, इस प्रकार से हम वहां के अधीक्षक महोदय से आप सवाल जवाब कर सकते हैं और उनसे परमिशन के माध्यम से, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत अगर हम जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। और
हम चाहेंगे कि आगामी समय में, क्योंकि हम बेधड़क अगर किसी के घर में चले जाए बिना बताए तो थोड़ा सा अचंभित होता है और वो कहेगा क्यों आ गए। आदमी संशय मन में आता है कि आ क्यों गया, बोल नहीं पाता लेकिन आ क्यों गया, किस लिए आया, क्या कारण है, वो सारे सवाल मन में खड़े होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार देखो वो भी प्रशासन से बंधे हुए लोग हैं और वो एक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए आप लोग कभी भी अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको पूर्वगामी सूचना प्रदान करेंगे। और जहां तक के मेरा आप सभी का सवाल कंप्लीट हुआ और मेरे जवाब से जहां तक कि आप संतुष्ट हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो आप पुनः अपना सवाल तैयार रखें। और इसी के साथ ऐसी सूचना आ रही है कि भोजन तैयार हो चुका है, हम भोजन करने के पश्चात आधा घंटा के बाद टहलने के पश्चात हम पुनः इसी मंच के समक्ष साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक और धैर्यता के साथ आज का मंच साझा किया, उसके लिए हम तमाम हमारे जिले सूर्य युवा साथियों को जोरदार तालियां लगाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय शिवा, जय बलदेव, जय गुरु।